हेलो गाइस, मास्टर कोचिंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो पढ़ने वाले क्लास ट्वेल्थ के इंग्लिश, और क्लास ट्वेल्थ के इंग्लिश का चैप्टर नंबर 2 है लॉस्ट स्प्रिंग। लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। इसके जो राइटर हैं अनीस जंग हैं, या फिर ऑथर भी कह सकते हैं। तो देखिए, इसका शॉर्ट आंसर पढ़ेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट होंगे एग्जाम के लिए। तो देखिए, समझिए पहला क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज साहेब, साहेब क्या लुकिंग देख रहा था, देखिए साहेब क्या देख रहा है। फॉर इन द गार्बेज, इसमें कचरे के ढेर में, डंप होता ढेर। तो यहाँ पर बोला गया है कि साहेब क्या देख रहा था या क्या ढूंढ रहा था, इसमें कचरे के ढेर में। वेयर इज ही, देखिए वेयर कहाँ, इज ही एंड वेयर हैज ही कम फ्रॉम, वह कहाँ पर है, वह कहाँ पर है, वेयर इज ही, वह कहाँ पर है, एंड और वेयर हैज ही कम फ्रॉम, और वह कहाँ से आया है, कहाँ से आया है। तो इस तरीके से आप इसका ट्रांसलेशन करेंगे, बस आपको इसके मीनिंग याद होने चाहिए। आंसर देखिए, और हाँ, और आपसे ट्रांसलेशन नहीं आता तो आप नीचे इसकी हिंदी पढ़ सकते हैं। कूड़े के ढेर में साहेब क्या ढूंढ रहा है, वह कहाँ पर है, और क्या कर, मतलब कहाँ से आया है। आंसर देखिए अब इसका, साहेब इज लुकिंग, साहेब देख रहा है या ढूंढ रहा है फॉर गोल्ड, क्या सोना। कॉइंस सिक्के ढूंढ रहा है, रुपी नोट्स और पैसों को ढूंढ रहा है, एंड अदर यूजफुल ऑब्जेक्ट्स और दूसरे अन्य उपयोगी ऑब्जेक्ट्स को देख रहा है, ढूंढ रहा है। इन द गार्बेज कचरे के ढेर में, इन द गार्बेज डंप्स कचरे के ढेर में। ही इज लिविंग इन सीमापुरी, वह रह रहा है या फिर रहता है कहाँ पर, सीमापुरी, सीमापुरी में, इन दिल्ली, दिल्ली के अंदर। तो दिल्ली में सीमापुरी पड़ती है, जहाँ पर यह रहता है, जो सीमापुरी है एक एरिया है वहाँ पर, तो सीमापुरी के एरिया में वो रहता है। He has come from, वह आया है, कहाँ से आया है, बांग्लादेश, बांग्लादेश से, तो वह बांग्लादेश से आया है। तो जो साहेब है कचरे के ढेर में क्या देख रहा है, ये देख रहा है सोने के सिक्के, कॉइन्स, पैसे और दूसरे उपयोगी जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो सारी चीज़ें देख रहा है। देखिए आप चित्र के अकॉर्डिंग से समझ सकते हैं। पहला हम इसको कर देते हैं क्लीन, और स्क्रीन शॉट ले सकते हैं आप इसका क्वेश्चन का, और आप लिख सकते हैं अपने नोटबुक में। देखिए यहाँ पर ये कचरे का ढेर है, क्या है, कचरे का ढेर है। यहाँ पर ये कचरे के ढेर में सोने के सिक्के ढूंढ रहे हैं, और ऑब्जेक्ट ढूंढ रहे हैं जो काफ़ी यूजफुल होते हैं ज़िंदगी के अंदर, और पैसे ढूंढ रहे हैं। तो कचरे के ढेर में कुछ भी मिल जाए जो जीवन में हो, क्या हो, यूजफुल हो। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं, जो दूसरा है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। व्हाट एक्सप्लेनेशन, देखिए व्हाट एक्सप्लेनेशंस, क्या दलील दी, क्या एक्सप्लेनेशंस का मतलब होता है व्याख्या की। डज द ऑथर, देखिए बॉबी से पहले इसको दी पढ़ते हैं, तो ऑथर ने क्या दलील दी थी। ऑफर फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए, नॉट वेयरिंग, वो नहीं पहनते हैं फुटवियर, जूते या चप्पल। तो जूते या चप्पल के लिए यूज होता है फुटवियर, तो उसने क्या बताया उन बच्चों के बारे में, वो क्यों नहीं पहनते हैं जूते और चप्पल। तो क्या उन्होंने एक्सप्लेनेशंस दी है, एक्सप्लेनेशंस का मतलब होता है दलील देना या व्याख्या करना। किसने, ऑथर ने, ऑथर आप जानते हैं कौन है। आंसर देखें, ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री, ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री का मतलब क्या, पूरे देश में ट्रैवलिंग करते हुए, यात्रा करते हुए, कौन यात्रा कर रहा है यहाँ पर, जो राइटर है। द ऑथर हैज सीन चिल्ड्रन, उसने बच्चों को देखा है, वॉकिंग घूमते हुए, वेयर फूड नंगे पैर, वेयर फूड ध्यान रखना नंगे पैर होता है, इन सिटीज शहरों में, ऑन ब्लेज इसमें गांव के अंदर, रोड्स रोड्स पर। अकॉर्डिंग टू हर वन एक्सप्लेनेशन, उसके एक व्याख्या के अनुसार या उसकी एक दलील के अनुसार, इज दैट इट इज नॉट लैक ऑफ मनी, कि लैक ऑफ याद रखना, लैक के साथ हमेशा ऑफ आता है प्रीपोजिशन, तो यहाँ पर लैक ऑफ, कमी नहीं है मनी पैसे की, बट परंतु आर ट्रेडिशन, एक क्या है उनकी परंपरा है, परंपरा है टू स्टे बेयरफुट, नंगे पैर रहना, नंगे पैर रहना उनकी एक परंपरा है, वो ऐसा मानकर चल रही है, ये उनकी दलील है, उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया है। ओके, तो इस तरीके से आप इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं, और वैसे इसकी सारी हिंदी नीचे लिखोगी आप, ध्यान से पढ़ लें इसको। ओके चलिए, अब हम करते हैं इसको क्लीन, और ले सकते हैं आप इसका स्क्रीनशॉट। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है वो देखें। इज साहेब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल, एक्सप्लेन। इज साहेब, साहेब क्या हैप्पी, खुश है वर्किंग, काम करने से, काम करने से क्या वो खुश है, एट द टी स्टॉल, एक
चाय के खोके पर या चाय की दुकान पर, एक्सप्लेन व्याख्या कर दो इसके बारे में। चाय की दुकान पर काम करते हुए क्या साहेब प्रसन्न है, खुश है, समझाइए इसके बारे में, एक्सप्लेन कीजिए, आंसर देखें। नो नहीं, नहीं वो खुश नहीं है। साहेब इज नॉट हैप्पी, साहेब खुश नहीं है वर्किंग काम करते हुए एट द टी स्टॉल चाय के खोके पर, क्यों नहीं है बताएंगे। दो, दो का मतलब होता है यद्यपि, यद्यपि ही गेट्स उसे मिलते हैं 800 रुपये, उसे 800 रुपये मिलते हैं एंड ऑल हिज मील्स और उसको खाना मिलता है तीनों टाइम का, ये दो टाइम का। ही हैज लॉस्ट, बट उसने क्या कर दिया, लॉस्ट कर दिया, खो दी है हिज फ्रीडम अपनी आज़ादी। अभी नौकरी करने के लिए जाएंगे तो मालिक की माननी पड़ेगी बात, तो अपनी आज़ादी उसने खो दी है। नाउ ही इज द सर्वेंट, अब वो नौकर बन गया है ऑफ टी स्टॉल के ओनर का, मालिक का। वेयर एज, जहाँ पर ही वॉज द मास्टर ऑफ हिमसेल्फ, जहाँ पर वो खुद का मालिक था, ही वॉज फ्री और आज़ाद था, क्या करते हुए, वाइल जब डूइंग द वर्क, जब वो काम करता था रैक पिकिंग, कचरा बीनने का, कचरे को ढूंढने का, जैसे कि आपको चित्र में दिखाया गया है कि ये लोग कचरे को ढूंढ रहे हैं और ये लेकर जाएंगे, इससे अपनी जीविका चलाएंगे या पैसे कमाएंगे। तो आप इस तरीके से भी इसकी हिंदी निकाल सकते हैं और नीचे की हिंदी आप पढ़ सकते हैं एक बार और इसको तैयार कर सकते हैं। देखिए इसको तैयार करने का एक ही तरीका है, आपको इसके मीनिंग याद होने चाहिए और एक दो बार प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए आपको इसको, बस ये आपके सेट हो जाएगा दिमाग में। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है उसको समझे ध्यान से। क्वेश्चन नंबर है 4, हाउ डिड द रेक पिकर्स गेट राशन कार्ड्स, व्हाट वाज देयर यूज्ड टू देम, व्हाट डिड द रेक पिकर्स जो हैं, जो कूड़ा बीनने वाले हैं, वो कैसे गेट राशन कार्ड, उनको राशन कार्ड उनको मिला है, व्हाट वाज देयर यूज्ड टू देम, और उन्होंने उसे यूज कैसे किया है, इस्तेमाल कैसे किया है। तो कूड़ा बीनने वाले लोगों को राशन कार्ड कैसे मिले हैं, उनके लिए राशन कार्ड का उपयोग क्या था, वो क्यों यूज करते थे, किस वजह से करते थे, आंसर है, आंसर देखें। द पॉलिटिशियंस, जो पॉलिटिशियंस थे, जो राजनेता लोग थे, हेल्प्ड, उन्होंने मदद की है, हेल्प्ड मदद करी है, पास्ट का इंडेफिनिट है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म। द रेक पिकर्स, कूड़े बीनने वालों की गेट राशन कार्ड, उन्होंने राशन कार्ड उनको दिलवा दिए हैं, अब उन्होंने भी एक वजह है क्यों दिलवाए हैं। डेट गेट देयर नेम्स, की उनका जो नाम चढ़ जाए ऑन वोटर लिस्ट पर, अब ये जो नेता लोग हैं इन्होंने इनके वोटर आईडी कार्ड बनवा दिए हैं वोट लेने के लिए इनसे। इट इनेबल्ड, और ये योग्य बन गए हैं, इनेबल्ड हो गए हैं देम टू बाय ग्रेन, अनाज खरीदने के लिए, जो अनाज मिलता है राशन कार्ड से, अब ये उसके लिए योग्य बन चुके हैं, ये ले सकते हैं उस राशन कार्ड से। तो वैसे भी इसकी सब हिंदी हम नीचे लिख कर दे रहे हैं तो आप उसको सबको तैयार कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाई वाज द ऑथर एम्ब्रेस्ड, व्हाई वाज द ऑथर, वैसे इसको दी पढ़ेंगे, वोवेल से पहले इसको दी पढ़ा जाता है, तो व्हाई वाज द ऑथर एम्ब्रेस्ड, जो लेखिका है वो कैसे एम्ब्रेस्ड हुई, शर्मिंदा हुई थी, व्हेन जब साहेब आस्क्ड, जब साहेब ने उससे पूछा इफ आर स्कूल वॉज रेडी, क्या तुम्हारा स्कूल तैयार हो गया है, तो इसने स्कूल को तैयार करने के लिए इससे वादा किया था। जब साहेब ने लेखिका से पूछा कि क्या उनका स्कूल तैयार हो गया है, तो लेखिका क्यों लज्जित हुई थी, क्यों एम्ब्रेस्ड या शर्मिंदगा, या फिर शर्मिंदगी महसूस करी थी किसने, लेखिका ने, आंसर देखें। व्हेन साहेब, जब साहेब आस्क्ड, मालूम करता है दी ऑथर लेखिका से इफ हर स्कूल, क्या तुम्हारा स्कूल वॉज रेडी, तैयार हो गया है, तो सी सेड, उसने कहा, सी सेड, उसने कहा डेट इट टूक लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल, उसने कहा कि स्कूल को बनने में टाइम लगता है, काफ़ी टाइम लगता है। सी वॉज एम्ब्रेस्ड, और वो क्या हो गई, शर्मिंदा हो गई है, बिकॉज क्योंकि सी मेड अ प्रोमिस, क्योंकि उसने एक वादा किया था, उसने वादा किया था। अब यहाँ पर था क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि पास्ट का इंडेफिनिट है, मैं की सेकंड फॉर्म मेड आई है। डेट वॉज नॉट मीन्ड, और उसके बाद का कोई मतलब नहीं बचा था, वादा करने का मतलब ही क्या है, जब वो पूरा ना हो, तो इस वजह से उसको शर्मिंदगी महसूस हुई है, आप इसका भी ट्रांसलेशन इस तरीके से कर सकते हैं। ओके चलिए नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है, उसको देखें। मेंशन कीजिए द हैजार्ड्स, खतरे को, हैजार्ड्स ध्यान रखना खतरा होता है, ऑफ वर्किंग काम करने वालों का, इन द ग्लास
वेंगल्स इंडस्ट्री, जो ग्लास वेंगल्स इंडस्ट्री है, देखिए कांच की चूड़ी उद्योग में काम करने वाले काम करने के जोखिमों का उल्लेख कीजिए। जो काम करते हैं, जो कांच की चीजें बनाते हैं, जैसे चूड़ियां बनाते हैं, उनको क्या क्या खतरा होता है, हैजार्ड्स होता है काम करते हुए उस फैक्ट्री के अंदर, उसका वर्णन कीजिए। आंसर देखें, वर्किंग इन द ग्लास वेंगल्स इंडस्ट्री, जो काम करते हैं, वर्किंग करते हैं इन द ग्लास वेंगल्स इंडस्ट्री, कांच के चूड़ी उद्योग के अंदर, स्पॉइल्स उनका बिगड़ जाता है। द वर्कर्स, कर्मचारियों का, जो वर्कर्स होते हैं, जो मजदूर होते हैं, उनका बिगड़ जाता है, हेल्थ स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, आई साइट और आई साइट कमजोर हो जाती है, जो दृष्टि होती है, एंड अदर पार्ट्स और अन्य पार्ट्स बिगड़ जाते हैं ऑफ द बॉडी, शरीर के। द बिगेस्ट हजार और सबसे बड़ा जो खतरा है इज डेट द वर्कर्स, काम करने वालों का, वो इज ब्लाइंड विद द डस्ट, वो अंधे हो जाते हैं, वो इज ब्लाइंड विद अंधे हो जाते हैं द डस्ट, किससे, डस्ट से, फ्रॉम पॉलिशिंग, जब पॉलिशिंग करते हैं, जब पॉलिश कराया जाता है, जब कलर चढ़ाया जाता है उस पर, द ग्लास ऑफ एंगल्स, कांच के मतलब चूड़ियों पर, तो चूड़े को जब जैसे पॉलिश करते हैं, उनकी आंखों में जाती है डस्ट और कलर वगैरह भर जाता है, जिससे वो लोग अंधे हो जाते हैं। तो कांच की चूड़ियों के कारखाने में काम करने से कारीगरों का स्वास्थ्य और दृष्टि और अन्य शरीर के अन्य भाग बेकार हो जाते हैं। सबसे बड़ा खतरा चूड़ियों पर की जाने वाली पॉलिश की धूल से कारीगर अंधा हो जाता है। आप नीचे इसकी हिंदी पढ़ सकते हैं, जिससे कि आप अच्छी तरीके से समझ पाएं इसका ट्रांसलेशन। ओके, चलिए ये हो चुका है क्लीन, आप ले सकते हैं इसका भी स्क्रीनशॉट। लास्ट क्वेश्चन देखें, देखिए पहला आप देख लेंगे किस तरीके से काम कर रहे हैं। देखिए इसके हाथ कितने कैसे हो गए हैं पॉलिश करते हुए। अब ये इसका जो कलर है, जो पॉलिश है, जो डस्ट है, इनकी आंखों में जा रहा है, इसके अंदर इसकी आंखों में चला जाएगा, इनकी आंखों में चला जाएगा, तो आंखें बेकार हो जाएंगी। कुल मिलाकर इससे क्या है, इनका स्वास्थ्य खराब हो जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, उसको समझें आप, जो काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। देखिए, हाउ इज मुकेश एटीट्यूड टू हिज सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम डेट ऑफ हिज फैमिली, अपनी परिस्थिति के बारे में, हाउ इज मुकेश एटीट्यूड हिज सिचुएशन, सिचुएशन होती है परिस्थितियां, तो अपनी परिस्थिति के बारे में मुकेश की मनोदृष्टि, मनोदृष्टि का मतलब है एटीट्यूड, अपने परिवार से किस प्रकार डिफरेंट है, अलग है, ये हमें बताना है किस प्रकार अलग है। तो हाउ इज मुकेश एटीट्यूड, मुकेश का एटीट्यूड कैसे अलग है, तो हिज सिचुएशन, उसके सिचुएशन से, उसकी परिस्थितियों से डिफरेंट अलग है फ्रॉम डेट ऑफ हिज फैमिली, उसके परिवार से, उसके परिवार से बिल्कुल अलग कैसे है। तो आंसर देखें, आंसर तो पता चल जाएगा, मुकेश वांट्स, मुकेश चाहता है टू बी अ मोटर मैकेनिक, मोटर मैकेनिक होना या बनना, बी का मतलब होना होता है या बनना होता है, तो मुकेश चाहता है क्या बनना, एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता, व्हाइल जब हिज फैमिली फॉलोज, और फैमिली क्या कहती है कि फॉलो करो दी इनहेरिटेड ट्रेड, एक बनसान होगा तो ट्रेड को फॉलो करो, जो बनसान होगा ट्रेड चल रही है हमारी, ये जो काम चल रहा है चूने बनाने का, इसी को फॉलो करो, सब लोग ये कहते हैं अपने बच्चों को, ये हमारा काम संभाल लो, तो ऐसी वो कर रहे हैं। और वेंगल मेकिंग, जो कांच की चूड़ी का उद्योग है इनका, कांच की चूड़ी बनाने का, कि कांच की चूड़ी बनाओ और क्या करोगे। आगे हैं, हिज इनिशिएटिव मेक्स हिज एटीट्यूड, उसका जो एटीट्यूड है इससे डिफरेंट होता है, अलग होता है फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली, अपने परिवार से, तो अपने परिवार से उसका एटीट्यूड अलग होता है, क्योंकि वो चाहता है कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनूँ, अपना काम हट के करना चाहता है, तो यही समझदार लोगों की पहचान होती है, जो उनका मन करता है वो वैसे ही करते हैं, और वो एक ना एक टाइम सक्सेस हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं। ओके, तो इस तरीके से आप, उम्मीद है इस क्वेश्चन से आपको समझे होंगे, इस क्वेश्चन का बताने का मतलब ये है, समझाने का मतलब ये है कि वो काम करो जिसमें आपको खुद मज़ा आता हो, या आपको वो काम करना अच्छा लगता हो या पसंद हो, वो वाला काम करो। तो इस काम को, और ये चाहता है क्या क्या काम करना चाहता है, एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, तो इस तरीके से आप इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन थे, जो क्वेश्चन 7 थे सारे के सारे, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे एग्जाम के लिए। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी एग्जाम के लिए।